सो हैलो स्टूडेंट्स, आज का जिहड़ा अपना लैक्चर है पार्ट नंबर 5 हैगा ते उहदा जिहड़ा हैडिंग लिखिया मैं ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के बारे जिन्ना क हैगा है तुहाडे पास वो सारी चीज़ मैं तुहाडी रिवाइज़ करवा दूंगा तुहाडे को, ठीक है जी। इस तरह यूलर फंक्शन बारे एक कमेंट आया सीगा तुहाडे कोल, विनन ने कहा सी मैनूं व्हाट्सएप ते भी आया सी विनन ने यूलर फंक्शन दैन उहदा यूज़, ठीक है जी। तो वह भी तुहाडे कोल आप अगले लैक्चर कवर कर लेंगे। सो जिन्नियां पॉसिबिलिटीज़ हो सकदियां ने अपने वालों मैं सारिया पॉसिबिलिटीज़ कवर कर दूंगा, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, अगर आप पहले नंबर पर देखिए कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्पेस मैंने असं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। सो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस होंगी आर इज इक्वल टू ए लैमडा प्लस बी, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा ए वैक्टर वह होंगे जिहड़ा फिक्सड पॉइंट होंगे जिस चो तुसीं पास करते हो, तो ए पॉइंट जो तुसीं पास करते हो ये पैरेलल टू होंगे थोड़े पास, ठीक है जी। सो मतलब लाइन इज़ पैरेलल टू वैक्टर बी। सो लाइन वी वैक्टर के पैरेलल होंगे इस तरह का अपने को लाइन की जिहड़ी। सो जे दो लैनिया होन तुहाडे कोल तां फिर आपां उही कर लें, आर नहीं छेड़ना, इत्थे ए वन कर देंगे, इत्थे लैमडा वी वन कर देंगे, उरे आर लिख लेंगे, इत्थे ए टू कर देंगे, लैमडे की थां ते म्यू कर देंगे। सो कोई कोई चीज़ों के विच हो जाती है, ठीक है। तो लाइन इज़ पैरेलल टू वैक्टर बी, लाइन इज़ पैरेलल टू जिहड़ा हैगा वैक्टर बी, जिहड़ी लाइन है जिसकी इक्वेशन आ कटी है पैरेलल टू वैक्टर बी, या फिर इहनूं कार्टीजियन पॉइंट्स विच लिखते हैं। सो नीचे एल वन वाई माइनस वाई वन एम वन जैड माइनस जैड वन बट एन वन, ख्याल की रखना है आ जिहड़ा आ वाली चीज़ है ये इत्थों आनी है, आ वाली ए चो आनी है, तो जिहड़े विचले ने वह बी चो आने ने। एल वन एम वन एन वन चाहे वह इनू कह दो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है जी, तां वी थोड़ी गल ठीक है, चाहे इनू कह दो डायरेक्शन रेशो। कारण सिर्फ ये है कि तुहाडे कोल अगर स्केयर करके ऐड करोगे, ठीक है, तो डिवाइड कर दो, मतलब अगर डायरेक्शन कोसाइन की गल होएगी तो यूनिट मैगनीच्यूड आएगा, यूनिट मैगनीच्यूड मतलब डायरेक्शन कोसाइन जिहड़े जोड़ोगे ना एल वन स्केयर एम वन स्केयर तो एन वन स्केयर ऑलवेज़ तुहानू वन मिलेगा, ठीक है। बट रेशो च नहीं मिलता, रेशो च कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनैलिटी दे विच तुहानू मिल सकती हैगी है। सो ये तुहानू पता लग गया, क्वेश्चनस मैं करवाना एक ब्रीफ इन, क्योंकि मैं ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन इन स्पेस किया। सो जिन्होंने नहीं पता उन्होंने लिए एक आइडिया है, डिटेल्स किसी चीज़ की नहीं जा रही, बट बथेरी चीज़ें कवर कर दूंगा, ठीक है जी। सो मतलब एल वन एम वन तुसीं डायरेक्शन कोसाइन कहो या डायरेक्शन रेशो, डेफिनेटली देयर इज़ ए डिफरेंस, बट जिहड़ा स्ट्रेट लाइन दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा तुहाडे को, ठीक है जी। सो अगर आपां अगे चलीए तुहाडे कोल, हुण आपां स्ट्रेट लाइन दे विच मैनूं पता लग गया हुण आपां ने तुहाडे कोल फिक्स पॉइंट चो भी कर ली, ठीक है। सो जे मान लो तुहाडे पास दो लाइनस दित्तियां होण तां उहनां दे विच अगर मैं एंगल लैणा होवे, सो आर ए वन प्लस लैमडा बी वन सो वैक्टर है, ठीक है, इत्थे ए टू प्लस लैमडा बी टू, सो गेम इन्हां च चलनी है। सो जे तुसीं फार्मूला लाना होया ना इहदे विच, सो बी वन डॉट बी टू लायो, नीचे बी वन का मॉड तो बी टू का मॉड, सो ये वाली चीज़ तुहाडी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये चीज़ 90 डिग्री होगी कॉस, तो फिर सिर्फ इन्ना ही रह जूगा, अगर परपेंडिकुलर वैक्टर्स होंगे ना बी वन बी टू तो फिर थोड़े को सिर्फ इन्नी के चीज़ आ जूगी, क्योंकि थीटा अगर 90 होया तो कॉस 90 जीरो हो जाओ। सिमिलरली थोड़े को जिहड़ा हैगा है कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स की होंगे, कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स दे विच अगर आपां एंगल लेना होवे कॉस थीटा, सो होंगे एल वन एल टू, उधरों एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू मॉडुलस ले लो, ठीक है जी। नीचे की हैगा, नीचे एल वन स्केयर प्लस एम वन स्केयर प्लस एन वन स्केयर एल टू स्केयर प्लस एम टू स्केयर प्लस एन टू स्केयर। सो ये तुसीं फार्मूला लगा लेना, खैर तुहानूं पता इहदे बारे कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि हुण बेसिकली जिस चीज़ ते मैं फोकस करना। सो लाइनस परपेंडिकुलर कदों होणगियां, इहदे ते क्वेश्चन पक्का आना जी, ये उत्ते क्वेश्चन लाजमी आना, लाइनस परपेंडिकुलर क्यों होंगे एक क्वेश्चन तो लाइनस पैरेलल, ठीक है। सो लाइनस परपेंडिकुलर होंगे तो एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू ये जीरो रहेंगे, अगर पैरेलल होंगे तो एल वन ओवर एल टू एम वन ओवर एम टू तो एन वन ओवर एन टू ये बराबर,
ਅਤੇ ਇਹ L1 L2 M1 M2 ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ X2 ਨੀਚੇ L2, Y2 ਨੀਚੇ M2, Z-Z2 ਨੀਚੇ N2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅੜਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਪਲੇਨਰ ਲਾਈਨਸ, ਕੋਪਲੇਨਰ ਲਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ ਸੇਮ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਮੈਨੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਆਫ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਪਲੇਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਏ ਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਏ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਏ ਸੀ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਓ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਸੀ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਲਾਈਨਸ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਇਸਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹਾਂ, ਕੋਪਲੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਕੇਲਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵਨ ਓਵਰ ਬੀ ਵਨ, ਦੂਜੀ ਏ ਟੂ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
मतलब पास ए टू चो कर दिया इतने वी टू हो गई, जेड माइनस ए थ्री हो गया इतने वी थ्री हो गया, सो एक्स माइनस सी वन हो गया नीचे डी वन हो गया, वाई माइनस सी टू नीचे डी टू हो गया, जेड माइनस सी थ्री नीचे डी थ्री हो गया। सो अगर एक को प्लेनर है तो मैं थोड़ा हमने कहा कि सी माइनस ए बी ते डी इन्हों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होएगी, और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिए डिटरमीनेंट होंगे सी माइनस ए ना ए डिफरेंस रहेगा, तो सी वन माइनस ए वन रहेगा ठीक है जी, सी टू माइनस ए टू रहेगा ठीक है जी, सी थ्री माइनस ए थ्री रहेगा, तो उस तो बाद बी वन बी टू बी थ्री रहेंगे, तो इतने डी वन डी टू तो डी थ्री रहेंगे ठीक है। सो अगर ये चीज़ आ जाए तो लाइनस कोप्लेनर होनगियाँ ठीक है। सो तुहानू जिहड़ा डिटरमीनेंट है वह तुहानू बनाने की जरूरत नहीं पाएगी, तुसी सिंपली तुहानू दो लाइना दित्तियां तो तुसी सिर्फ इन्ना करना कि ए वाली लाइन नीचे नंबर दो ते लिख देना, ए वाली लाइन तीजे नंबर ते लिख देना, उपरली लाइन डिफरेंस लैके लिख देना, तो तुहाडी जिहड़ी कोप्लेनर लाइनस की इक्वेशन आ जाएगी तुहाडे को। हुण बंदा कहिंदा जी बेनीफिट की हैगा तुहाडे पास ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनस की बेनीफिट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बड़ा ठीक ठाक बेनीफिट होएगा जी, क्योंकि सिंपल जी गल है तुहाडे कोल अगर तुहाडे कोल लाइना कोप्लेनर आणगियां तो दो ही ऑप्शन होणगियां, अगर कोप्लेनर है कोप्लेनर ना बेनीफिट की हुंदा, कोप्लेनर दे नाल की होगा कि अगर कोप्लेनर ने आ कंडीशन वन होगी, सो वन तो होल्ड करेगी वो करेगी, अगर वन होल्ड करेगी तो नाल ए वन ओवर ए टू ठीक है सॉरी रेशो च बी वन डी वन गलत हो जाता कई बार, मतलब सारी ऑपरेशन रेशो नाल ही हैं। सो अगर मेरे पास अगर आ वाली चीज़ होगी बी वन डी वन बी टू डी टू ठीक है जी, सो बी थ्री डी थ्री वन होल्ड करगी तो आ होल्ड करगी, उस केस विच तुसी कहोगे लाइनज पैरल ने ठीक है, कोप्लेनर हैगी इको प्लेन च ने तो लाइनज पैरल हो गई, तो जे ये होल्ड नहीं करती मतलब ये नॉट होल्ड हो जाए ठीक है, तो तुसी कह दिता थोड़े पास कि वन होल्ड करती है बट ये नॉट होल्ड हो जाए, उत्थे थोड़ा होंगे कि इंटरसैक्टिंग लाइनस ठीक है। सो मतलब तुसी जे सिर्फ चेक ही करना होवे ना, जिम्मे दो लाइन देती हैं विच ऑफ द द लाइनज आर पैरल इंटरसैक्टिंग कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, एवं थोनों ऑप्शनस दे दी जाएगियाँ तो वह ऑप्शनस तुसी हैंडल करनी है, तो अगर कोप्लेनर होया तो आ चीज़ होल्ड करेगी ठीक है जी इको प्लेन दे विच। हुण ध्यान नाल देखना अगर लाइना कोप्लेनर ने, यह बहुत चीज़ जरूरी हैगी है, अगर लाइनस मतलब अगर मैं इको प्लेन पर हाँ चाहे एवें जा रहा, अगर लाइनस कोप्लेनर ने क्योंकि पेपर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिहड़ा तुहाडे कोल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वह जीरो होएगा, अगर लाइनस पैरल ने तो एवरी डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एवरी डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, सारी शॉर्टेस्ट होंगे क्योंकि सारी सेम होंगे, एवरी डिस्टेंस इज सेम अगर लाइना पैरल ने ठीक है, तो अगर लाइना पैरल ने तो हर डिस्टेंस नू ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हो क्योंकि फिक्स डिस्टेंस है, सो एवरी डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट और फिक्सड तुसी कह सकते हो तुहाडे पास ठीक है जी। सो ए वाली चीज़ भी होगी। हुण अगर तुहाडे कोल ठीक है अगर लाइनस नॉट कोप्लेनर होण ठीक है जी, अगर लाइनस जिहड़ियां हैगियां ने नॉन कोप्लेनर ने ठीक है जी, अगर लाइनस तुहाडियां नॉन कोप्लेनर ने, नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि उस प्लेन दे विच लाई नहीं कर दियां हैगियां तुहाडे पास, तो फिर एक नवा कंसैप्ट अराइज़ हुंदा है, उस कॉन्सैप्ट नूं असी जिहड़ा हैने आ कॉन्सैप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सैप्ट है जिहड़ा कदों अराइज़ हुंदा जदों अपने कोल सक्यू लाइनस हुंदियां ने ठीक है जी, ना पैरल ने नॉट कोप्लेनर आ गई, सो ये नॉट पैरल ठीक है, तो मतलब नाइदर पैरल नॉर इंटरसैक्टिंग कह लो चाहे इनू, नाइदर पैरल नॉर इंटरसैक्ट, जिहड़ियां लाइना ना पैरल होण ना इंटरसैक्ट करन ठीक है, ना पैरल होण ते ना इंटरसैक्ट करन तुहाडे कोल ठीक है जी, वह लाइना जिहड़ियां हैगियां ने उहनां नूं असीं की कहिंदे आ ठीक है, लाइनस नॉन पैरल ने, नाइदर जिहड़ा हैगा नॉन कोप्लेनर है नाइदर पैरल नॉन इंटरसैक्ट, तो उहनां दी सक्यू लाइनस हुंदा हैगा तुहाडे कोल
सो नॉर्मली जिहड़ा असी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सैप्ट है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉन्सैप्ट आप सक्यू लाइनस ले लाने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आंदा जी लाजमी चाहे वह फार्मूला आए चाहे फाइंड करना आए वह आप सक्यू लाइनस यूज़ करते हैं तो को ठीक है जी। तो जे मैं दो लाइन दिखाई हुई ने मान लो आर इज इक्वल टू ए वन लैमडा बी वन नोटेशन का कोई चक्कर नहीं जी ए टू लैमडा लैमडे थान तो म्यू बी टू तो इन्हें से मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लैना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कढ़ने लिए पहली कंडीशन है कि नॉन कोपलेनर होवे। मैं थ्योरी तां दस रहा इहदी थ्योरी उत्ते सवाल बनना ही बनना है थोनू कोपलेनर लाइन पूछी जाए कोपलेनर कदों होंदी है कंडीशन पूछी जाए कोपलेनर वैक्टर फॉर्म स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होंदी है सक्यू लाइनस केड़ियां ने ऑप्शनज ऑब्जेक्टिव बन जांदियां ने ठीक है जी। पर जे उस ऑब्जेक्टिव सवाल बना के लिखा तो सवाल तो दो तीन ही लिख कदों लाइना परपेंडिकुलर ने कदों लाइना पैरेलल ने सो ये चीज़ा है ने क्वेश्चन जोड़े है जो कमिंग लैक्चरस आएंगे जिते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे उन्होंने इनकलूड कर लेना। सो जे तुसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना फेयर गेम इन्हों की ही है थोड़े को सो तुसी बी वन का बी टू नाल क्रॉस लेना फिर डॉट लेनी है ए टू तो ए वन का तुसी डिफरेंस लेना है ठीक है जी। नीचे तुसी बी वन बी टू का मॉडुलस ले लेना वो मॉडुलस सारा सो यदा ना भी पिया हुआ एंड जाके लिया जाता पर जे नहीं पाओगे तो कढ़ दोगे तुसी उपर लेना यह करना नहीं गा। सो ये थोड़ा रूल है जी इस विच तुसी वैल्यूज़ भरोगे तो तुसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दोगे पर फिर अगर शॉर्टेस्ट डिस्ट अगर थोड़े को सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई हाँ जी ध्यान नाल देखना अगर लाइनस थोनू उन्हें ना ए वन प्लस लैमडा बी वन कर दिता और दूजी लाइन कर दिती जिहड़ी ए टू है ना सो इत्थे कल्ला भी ले लो सॉरी म्यू भी आ गया तो अगर आ चीज़ सेम आ जाए ना तो लाइनस पैरेलल हो जांदियां ने तो लाइनस पैरेलल हो गई तो लाइनस पैरेलल विच फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रहिंदा हैगा वो ऑलवेज़ द डिस्टेंस सेम हुंदा तो उहदा तरीका की है जिथे पिछे बी बी टू क्रॉस बी वन सीगा तुहाडे पास उत्थे सिर्फ बी टू ही लै लेना उरे उत्थे डॉट सीगा इत्थे क्रॉस है ठीक है जी। उस तो बाद इहदे नीचे इहदे मॉडुलस पा देना तो नीचे बी का मॉड लै लेना तो यह थोड़ा डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा एवरीवेयर थोड़े को यही डिस्टेंस रहेगा ठीक है जी। सो स्ट्रेट लाइनस जिहड़ियां हैगियां ने स्ट्रेट लाइन सिर्फ स्पेस विच इन्नियां चीज़ां ने जिसनों इन्नियां चीज़ां पता लग गई उन्हें हरेक चीज़ कर लेनी है क्वेश्चनस मैं कमिंग लैक्चरस के कवर कर दूंगा। सो यह जस्ट रिविजन से तुम्हें क्या आता तो सारा कुछ है ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक आगे तैयारी करते रहो थैंक यू।